अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हुर्फ़े तहजी के अंदर लाम से या तक सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा और अपनी अरबी की नोट में 5 बार लिख लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अपना विषय है अरबी और विषयांग है अज्ञार्थी 20 सीधी अरबी अंकों, यानी 11 से 20 तक अरबी गिनती। चलो बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे। बच्चों देखो, ये है विषय अरबी, विषयांग 11 से अज्ञार्थी 20 सीधी अरबी अंकों। मैंने पहले गुजराती में अज्ञार 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी वो गुजराती में अंक लिख दिए है। आज अभी मैं तुमको अरबी सिखाऊंगी, अरबी में कैसा लिखा जाता है। देखो बच्चों, ये है 11, क्या है अरबी में 11 है और ये गुजराती में 11 अज्ञा है। अरबी में इस तरह से 12 लिखा जाता है, ये है 12 और गुजराती में बोलते हैं 12। ये अरबी में 13, क्या है ये अरबी में 13 और गुजराती में 13। अरबी में इस तरह से 14 और गुजराती में पढ़ेंगे 14। अरबी में पढ़ेंगे 15 और गुजराती में 15। अरबी में आएगा 16, गुजराती में 16। अरबी में 17, गुजराती में 70। अरबी में 18, गुजराती में 18। अरबी में 19, क्या पढ़ेंगे 19, गुजराती में 19। अब अरबी में इस तरह से दो बनाएंगे, एक नुक्ता बनाएंगे, ये हो गया 20 और गुजराती में 20। फिर से देखो बच्चों, आगे से मैं फिर से समझाती हूँ तुम्हारे को कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 11 से 20 तक फिर से किस तरह से, आपको भी इस तरह से कुछ तक लिखना है। देखो यहाँ से 11 12 कैसा लिखा जाता, देखो 3 13 14 ऐसे 4 बनाएंगे और 1 14 10 और 4 14 ये है 15 15 के बाद आएगा 16 16 के बाद 17 17 के बाद 18 18 के बाद 19 19 के बाद 20। ये गुजराती में मैंने तुमको इसलिए समझाया कि अरबी का 11 ऐसा होता है और गुजराती का 11 ऐसा, ताकि तुमको दोनों में फर्क नजर आए। इसलिए चलो मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग, 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। इस तरह से आपको अरबी की नोट के अंदर इस तरह से हाशिया बनाना है। हाशिए में कुछ नहीं लिखना, सीधी तरह से लिखना है हमको। ऐसे लिखी सी आड़ी तो आती है, सीधी लिखी करेंगे आप और अरबी की नोट में वो यहाँ लिखेंगे 11 से 20 तक गिनती। इस तरह से आप हेडिंग मारेंगे और यहाँ हाशिए में कुछ नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे 11 12 13 14 यानी 11 से लेके 20 तक 5 बार अच्छे खूब से खुश कर लिखेंगे और याद करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अब अपना घर काम सही तरह से करते होंगे। जजाकल्ला।